हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू एम एस सी मैथमेटिक्स हमें रेगुलर मोड से करनी चाहिए या डिस्टेंस मोड से करनी चाहिए काफ़ी स्टूडेंट बी एस सी करके निकल रहे हैं और अभी एम एस सी एट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम एम एस सी एंट्रेंस के लिए हो भी चुका है है ना uh, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम एस सी मैथेमेटिक्स का जो कोर्स आप करेंगे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में सही रहता है या फिर जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं वहाँ पर सही होता है देखिए यहाँ पर एक दिन पहले भी मैंने आपको कहा था यहाँ पर दो तरीके से आप सोच सकते हो वो स्टूडेंट जो बाहर जा सकते हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस जा सकते हैं अब जाने का मतलब ये नहीं है कि, कि किसी के मन में आया और चल दिया और जाके बोल दिया कि मुझे तो यहाँ से एम करनी है आपको बाकायदा एंट्रेंस देना होता है एम एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो भी चुका है और आपने देखा देखा भी होगा कि कैसा जो एम एंट्रेंस एग्ज़ाम आया है स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और कहीं पर भी जैसे एडमिशन लेने के लिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारा एडमिशन हो जाए ठीक है तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है अगर हम यूनिवर्सिटी कैंपस से कर रहे हैं या फिर हम एफिलेटेड कॉलेज से कर रहे हैं तो मेन डिफरेंस सिर्फ एनवायरमेंट का है पढ़ने वाला स्टूडेंट एफिलेटेड कॉलेजेस में जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वहाँ से भी नॉलेज गेन करेगा और जो कैंपस में जो पढ़ाया जाता है वहाँ से भी नॉलेज गेन करेगा यूनिवर्सिटी कैंपस में आप हॉस्टलर uh, हैं या फिर डेस्कॉलर हैं जो भी uh, जिस तरीके से आप वहाँ पे एमएससी करेंगे मैथमेटिक्स से तो ये सिर्फ और सिर्फ जरा सा फ़र्क होता है कि भाई एक तो हम पढ़ रहे हैं कैंपस से और एक हम पढ़ रहे हैं एफिलेटेड कॉलेज से तो कैंपस से जो स्टूडेंट करता है ऑब्वियसली बेटर माना जाता है एफिलेटेड कॉलेज से लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट कैंपस में नहीं जा सकते हैं बाकायदा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लियर भी कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर भी ऐसे स्टूडेंट भी आपको मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं जा सकते हैं एनी ऑफ द रीज़न सो यहाँ पर जो स्टूडेंट कॉलेज से एम एस सी करेंगे एफिलेटेड कॉलेज से जो एम एस सी करेंगे उनको निराश नहीं होना है मतलब जो स्टूडेंट आगे जाना चाहता है कि भाई आगे जा कर के मुझे टीचिंग लाइन में जाना है मुझे पी जी टी मैथ्स के लिए आगे प्रिपरेशन करनी है ठीक है तो इसमें ज़्यादा मतलब टैलस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो बच्चे कैंपस से आ रहे हैं वही आगे निकल जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमें नॉलेज गेन करनी है एफ़िलेटेड कॉलेज से भी आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी कैंपस से भी आप कर सकते हो हाँ बेटर तो देखो यूनिवर्सिटी कैंपस का अगर हम ओवरऑल देखेंगे इनवायरमेंट है या फिर क्लासेस होती हैं तो वहाँ ज़्यादा बेटर होंगी ऑब्वियसली वहाँ पर आपको स्टाफ अच्छा मिलेगा कई ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर स्टाफ भी कंप्लीट नहीं होता है जो एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी के जो एम कोर्स करवा रहे हैं तो वहाँ पर कई बार देखा जाता है कि स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होता है राइट right. फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह ढूंढनी पड़ती है तो फिर वहाँ से उनको अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है तो ये डिफरेंस आप मान के चल सकते हो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास एफिलेटेड कॉलेज में स्टाफ अच्छा है तो आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं अब यूनिवर्सिटी कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर हम बेसिकली हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है एमडी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है या फिर उसका जो एनवायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा Uh, मतलब माना जाता है हरियाणा में और इसके बाद जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से जो बच्चा निकल के जाएगा बिना री अपियर के जो मैथ से एमएससी करेगा वो एकदम से आप मान के चलो कि कंप्लीट नॉलेज लेकर के निकल रहा है ठीक है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से uh, अगर हम बात करें अभी एक कमेंट आया था स्टूडेंट का कि लाइक uh, like डे यूनिवर्सिटी से अगर हम करते हैं तो ये तो बिल्कुल देखने वाली बात है कि अगर आप डीयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो मान लीजिए कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि एम डी यू कुरुक्षेत्रा आई जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप यहाँ से कर रहे हैं एम एस ऑब्वियसली डीयू यूनिवर्सिटी इज़ बेटर दैन दीज यूनिवर्सिटीज़ अब जो स्टूडेंट अब डिस्टेंस से एम एस कर रहे हैं तो उनके मन में डाउट रहता है कि क्या हम पीजीटी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पीजीटी टीचर के लिए एग्जाम होता है ऑब्वियसली आप दे सकते हो डिस्टेंस मोड से सिर्फ और रेगुलर मोड में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस में आपको घर बैठ के सिलेबस करना होता है और रेगुलर स्टूडेंट्स को क्लासेज अटेंड करनी होती है तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिस्टेंस से मैथमेटिक्स एम कर रहे हैं मैथ्स से एम कर रहे हैं सो आपको बिल्कुल टैंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डिग्री अगर हम इग्नू से कर रहे हैं तो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी बिल्कुल आप अब अप जो अप्लाई कर सकते हो आप पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ठीक है तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी से कर रहा है वहाँ से भी एप्लीकेबल हो आप कि आप पीजीटी टीचर के लिए एग्ज़ाम दे सको ऑल राइट right? सो so, इसमें सिर्फ जो डिफरेंस हमारे पास है कि एक तो आप रेगुलर क्लासेस लेते हो आप क्लासरूम में जाएंगे वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर मिलेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है है ना एक आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हो आप खुद अपने मतलब अपनी सेल्फ़ स्टडी से अगर आप कर रहे हैं या फिर आपने कहीं से ट्यूशन वगैरह अरेंज कर रखा है सो so, सिर्फ आपकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है इस पर डिपेंड करता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बिना दूसरे की हेल्प के अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो बिना आप किसी ट्यूशन वगैरह के अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करके और कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ के उसको क्लियर कर लेते हैं तो ऐसा बहुत कम केसेज में देखने को मिलता है ओके सो so डिस्टेंस से भी काफ़ी स्टूडेंट करते हैं और उनकी डिग्री भी बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि माने नहीं जाती है बिल्कुल सेम वेटेज रखती है जो आपकी रेगुलर स्टूडेंट्स की डिग्री होती है राइट इग्नू यूनिवर्सिटी वाले भी स्टूडेंट बिल्कुल पीजीटी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं आपको जैसे ही मैथमेटिक्स एम अगर आप कर लेते तो आपको पी जी मैथ्स टीचर के लिए एस्टेट एग्ज़ाम अगर मैं बेसिकली हरियाणा की बात करती हूँ तो एस्टेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो एस्टेट लेवल के होता है मतलब जो एक पी जी टीचर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सो so, जो भी स्टूडेंट या आपके आसपास जो स्टूडेंट एस्टेट एग्ज़ाम्स या फिर uh, किसी भी टैट की तैयारी करना चाहता है तो आप यून्यूअरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्स चेक चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं ये जो एस्टेट एग्ज़ाम या फिर जो इस लेवल का पी जी टी मैथ्स टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सेकेंड थिंग एक ये भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि आपको स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा कैंपस से मिलता है आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं वहाँ से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल सकता है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से अगर आप एम कर रहे हैं ओके okay? तो ये जितने भी कमेंट मैंने यहाँ पे देखे एम एस से रिगार्डिंग उनके रिप्लाई करने की कोशिश की है अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और जिन स्टूडेंट्स को एम एस कोर्सेज के लिए जो अभी तक पूछ रहे थे तो हम जल्दी ही यहाँ पर एम एस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सो so, क्योंकि अभी हमारा जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है सो so, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है मैं यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करूँगी एम एस सी के लिए तो ये सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आ, मतलब म, पढ़ के बी करके एम कर चुके हैं लेकिन अभी जो हमारा बैच निकला है बी एस फाइनल जिसने किए उनके लिए हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर